आखिरी दिन पे ऑर्डर आया जिसके नतीजे में ये सब के साथ एक बार फिर बेरोजगार हो चुके हैं। आप वो जानते हो कि 30 साल की उम्र में कोई नया काम शुरू किया जा सकता है, क्यों नया कारोबार शुरू किया जा सकता है, इस उम्र में वो क्या कर सकते हैं? इंसाफ के लिए जाए तो कहाँ जाए, अदालत में जाए तो जवाब ऐसे मिले, पार्लियामेंट की तरफ के देखे तो जवाब ऐसे मिले। हम आपके इंशाल्लाह ताला आपकी दम तक करेंगे, हम मिलेंगे वहाँ भी, आप खुशी बन के आपका केस लड़ेंगे और इंशाल्लाह आपका इंशाल्लाह आप बहाल करवाएंगे। वहाँ से हम कामयाब नहीं हुए तो हम आपके पास आएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, जगह जगह पहुँचेंगे, आपके वोट की ताकतों से अगला हुकूमत बनाएंगे, आपकी साथ की वजह से अगला हुकूमत बनाएंगे और उस हुकूमत में आके आपको आपका हक रोजगार वापस दिलाएंगे। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरी देगा, 1 करोड़ नौकरी देने वाला ने नौकरी देने के बावजूद जिनके पास रोजगार पहले से मौजूद था उनसे भी रोजगार छीना है, ये किस किस्म का सुन? हम सब अपील करते हैं आला अदलिया से कि इस तारीखी जुल्म को दुरुस्त करें, कि ना सिर्फ हमारे साथियों के हक के रोजगार पे डाका है, ना सिर्फ हमारे साथियों का मार्च कत्ल है, मगर ये पार्लियामेंट पे हमला है, ये जो लोग पे डाका है, पार्लियामेंट का क्या हुआ काम को शुक्रगुजार। इसके बाद मैं हजरत महमूद साहब को दावत खिताब दूंगा। आप मुफ्ती मेरे गैरतमंद मुसलमान भाई और बुजुर्गों, पाकिस्तानियों, मेरी बहनों, उनसे पहले कायदे-ए-ए-इख्तिलाफ साहब और